दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि अगर हम हमारी कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर कोई वर्क करवाते हैं तो हमें उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई जीएसटी का इनवॉइस अगर हमें दिया जाता है तो उसकी एंट्री हमें हमारे बुक्स में किस तरीके से करनी है, कौन कौन से फीचर्स हमें इनेबल करने पड़ेंगे, और अगर हमें इस इनवॉइस की पेमेंट करनी है तो कितने परसेंट का टीडीएस है जो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, और उस टीडीएस की एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल के एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था तो उनसे सेम ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो इनवॉइस आप देख रहे हो ये सेम वही इनवॉइस है जिसकी एंट्री हम इस सॉफ्टवेयर में अभी करेंगे। तो क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन पूछे गए थे भी, इस ठेकेदार से जो इनवॉइस प्राप्त हुआ है उसकी जीएसटी इनवॉइस की एंट्री कैसे करनी है, और जो इनवॉइस की जो अमाउंट बनी है उसका भुगतान कितना करना होगा, कितनी अमाउंट है इनकी डिडक्ट करनी होगी, जो टीडीएस का जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार, और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम उस इनवॉइस को ओपन करेंगे। ये इनवॉइस है जो कि हमें श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हमें मिला हुआ है, और लेबर चार्ज का इनवॉइस है क्योंकि हमने उनको जो हमारी जो लेबर है हमारी कंपनी की वो कॉन्ट्रैक्ट पर दी हुई है, तो कंपनी ने हमें लेबर चार्ज का इनवॉइस दे दिया विद जीएसटी के साथ में। तो अब हमें सबसे पहले इस जीएसटी इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे टैली सॉफ्टवेयर में, और कुछ टैक्सेशन के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर इस TDS के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। ये जो आपको इस टैक्सेशन के ऑप्शन में दिखाई देगा इनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS, तो ये नो होता है तो हम इसको यस करेंगे। तो जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो हमें हमारी कंपनी का जो 10 नंबर है 10 डिजिट का वो यहाँ पर हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में टैक्स डिडक्टन यानी कि 10 नंबर आ जाएगा, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में आ जाएगा, और उसके बाद में जो डिडक्टर टाइप है यानी कि जो हमारी खुद की जो कंपनी है MS Enterprises वो कंपनी के एक्ट में आती है या फिर कोई इंडिविजुअल में है, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, किसकी कैटेगरी में आती है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है हमारी जो फर्म है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में है। और उसके बाद में डिडक्टर ब्रांच या फिर डिवीजन का अगर आपके पास एड्रेस हम लिख सकते हैं, अगर आप इसको सकते हैं, तो उसके बाद में ये जो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो कि इम्पोर्टेंट है, रेट एंड एग्जेम्पशंस डिटेल्स यानी कि कितनी डिटेल्स के बाद में आपको TDS है जो डिडक्ट करना होगा। तो आप इस ऑप्शन को अभी तक इग्नोर, जो IT एग्जेम्पशंस लिमिट फॉर TDS है इसको हम करेंगे इग्नोर, हमें नहीं करना। और इसमें आ जाएगा भी एक्टिव TDS फॉर स्टॉक आइटम पर हमें नहीं करना, प्रोवाइड सरचार्ज सेस डिटेल्स इसको भी हमें नहीं करना, और एंटर प्रेस करते हम इस विंडो को करेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। तो अब ये TDS का फीचर्स हमारा इनेबल हो गया। तो अब सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, जो कंपनी थी श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स की, इसके नाम से हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, और यहाँ पर हम नाम टाइप करेंगे श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स, इसको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर्स में क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स है, इन्होंने हमें सप्लाई जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई है। तो उसके बाद में इज TDS डिडक्टेबल, तो इस फीचर्स को हम करेंगे यस। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पर हमारे से एक डिटेल पूछेगा जो डिडक्टी टाइप है, जो श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स की जो कंपनी है वो किस कैटेगरी में आती है, तो इसका पता हमें किस तरीके से लगेगा। तो हम चलते हैं उनके इनवॉइस पे, इन्होंने हमें जो इनवॉइस नंबर जो दिया हुआ है, जो इनवॉइस दिया है उसके ऊपर GST नंबर भी लगा हुआ, तो इसका फोर्थ करेक्टर ये सी है, तो यानी कि ये कंपनी है। तो अब हमें यहाँ पर जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो हम डालेंगे कंपनी और रेजिडेंस को,
और उसके बाद में TDS सेम वाउचर को हम यस कर देंगे, और उसके बाद में हमें लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, तो हमें एक लेचर ऑफ डिस्ट की जो TDS की जो डिटेल है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। हम चाहें तो यहाँ पर शॉर्टकट यहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको वो क्रिएट करके बता देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, तो आप सबसे पहले अगर ये बना के रख लेते हो तो आगे आपको वहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको क्रिएट में जाने के बाद इस ट्रेजरी मास्टर में TDS नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे TDS कॉन्ट्रैक्टर, या आप लिख सकते हो यहाँ पर जो भी आपको रखते हैं, जैसे लेबर आ गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में जो इसका सेक्शन है 194C का पेमेंट कोड जो रहता है वो 94C का रहेगा। तो ये कोड आपको किस तरीके से पता चलेगा, भी आपका जो चार्ट है TDS का उसके अंदर आपको यहाँ पे सेक्शन में लिखा होगा 194C, तो ये आपका सेक्शन है। इसके ऊपर हेडिंग में हम देखते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका डिटेल आ रही है सेक्शन की। तो ये सभी सेक्शन होती है भी कौन से सेक्शन के तहत हम TDS है जो डिडक्ट करना है, कौन सा अमाउंट, मतलब कौन सा जो हमारी जो TDS की लाइबिलिटी है वो कौन से सेक्शन के अंडर में आती है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर इसका डिटेल जो डालेंगे रेट इंडिविजुअल और HUF, तो HUF यानी कि जो हमारा पर्सनली है तो उसका हम डालेंगे 1%, तो यहाँ पर वो भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ऊपर देख रहे हो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इंडिविजुअल और कंपनी का। तो अब 94C को ओपन करेंगे, तो अभी आप इसमें देख रहे हो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट है, अगर हम इंडिविजुअल की कंडीशन में 1% कटेगा और कंपनी की कंडीशन में 2% का TDS हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर पेन है तो, अगर पेन नहीं है तो उस कंडीशन में 20% का TDS डिडक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर 20% को करेंगे। तो अब यहाँ पर अब ये हमारे लिए कंपनी है तो हम इसको एक बारी 2% के अंदर करेंगे, या आप इस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ इंडिविजुअल की कंडीशन में 1 देख सकते हो और रेट ऑफ अदर डिडक्टेड कंडीशन के अंदर आप इसको 2 दे सकते हो, 2 और विदाउट पेन की कंडीशन में 20%। तो उसके बाद में इसकी जो एग्जेम्पशंस लिमिट है वो लिमिट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हम देखो, या आप देख रहे हो भी सिंगल पेमेंट्स अगर आप 30,000 देते हो या एग्रीगेटेड पेमेंट आप 75,000 रुपये देते हो, तो यानी कि वन टाइम 30,000 रुपये और ऑल ओवर अगर 1 ईयर्स की अगर बात करें तो 75,000, अगर इन दोनों में से कुछ देते हो तो हम इसका TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको 75 हम कर देते हैं लिमिट, क्योंकि हमने तो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करी हुई है, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने TDS का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर लिया। तो अब हम वापस उस लेजर को क्रिएट कर लेंगे श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स सैलरी क्रेडिटर में, और उसके बाद में TDS डिटेक्टेबल यस करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर वो जो डिस्ट थी हमारी TDS की नेचर ऑफ पेमेंट की वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में TDS यूज एडवांस एंट्री को अगर आप यस करोगे तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन करना पड़ेगा इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, तो हम इसको एप्लीकेबल कर देंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट को, और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर पेन नंबर हमें देना पड़ेगा, तो जो पेन नंबर हमारे पास जो इनवॉइस में लग के आया हुआ है उसी को हम पेन नंबर को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद में उसको पेस्ट कर देंगे और रेगुलर है। और उसके बाद में जो टोटल GST नंबर है वो टोटल GST नंबर भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और एंटर प्रेस करते हुए इस लेजर को करेंगे सेव। तो CGST और SGST हमारे पास लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, वो तो सिंपल जैसे कि हम परचेज सेल की नॉर्मल एंट्री करते हैं उसी तरीके से लेजर बनेंगे। और अब हमें यहाँ पर जो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो हमारा एक लेजर बनेगा TDS का वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा विद TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके आगे आप सेक्शन भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी बनेगी जो हम TDS डिडक्ट करेंगे, तो ये रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम इसको TDS सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में ये आपसे TDS नेचर ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर कलेक्ट करेगा, तो ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद में जो हमारा लेबर चार्ज का जो एक्सपेंसेस बनेगा वो लेजर अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा लेबर चार्जेस, और ये हमारा लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पर इसकी सुविधा के लिए भी एक बार लिख सकते हैं भी ये हमारा 94C वाला है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम रखेंगे, और उसके बाद में जीएसटी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी रहेगी। इसको अगर हम यस करेंगे तो लेबर चार्जेस का डिटेल वगैरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे लेबर, और एचएसएन लेबर का अगर हम डालें तो इनवॉइस में जो लग के आया हुआ है 99856 का 16 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें टीडीएस जो नेचर ऑफ यहाँ पर अगर आप देना पड़ेगा परचेज आपको टैक्सेबल, और उसके बाद में 18%, और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में हमें इसको सर्विस रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या इस खर्चे के ऊपर आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल होगा, हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, और उसके बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो अभी हमने टीडीएस नेचर ऑफ क्लास क्रिएट करी थी वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने लेजर है जो क्रिएट कर दिए हैं, और इसके बाद में हमने जो सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स के जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं उनके ऊपर भी टीडीएस को हम एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि हमें जो टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो टोटल अमाउंट पे करना है, यानी कि ये जो इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है 159,300 पे, तो इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो हमें यहाँ पर जो हमने लेजर क्रिएट करके रखे हुए हैं एल्टर पे हम जाएंगे, लेजर पर जाएंगे सीजीएसटी टैक्स, तो इसके ऊपर हमें अब टीडीएस एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डाल देंगे, और इसी तरीके से एसजीएसटी टैक्स, और इसको भी हम यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे, और इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की अमाउंट डालेंगे। तो ये हमने लेजर क्रिएट कर लिए, और जो लेजर हमारे पास बने हुए थे उनको एडिट कर लिया। अब हम इस वाउचर की एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हम इस इनवॉइस का डाटा सारा फिलअप करेंगे, तो इसके लिए हमें वाउचर पर हम जाएंगे, तो वाउचर पर जाने के बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर हम लिखेंगे SRC 524 नंबर, 15 सितंबर की डेट है, SRC 524 इन सप्लायर के इनवॉइस नंबर में सेम डाटा लिखेंगे। यहाँ पर अब हमें श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी पर्टिकुलर ही आ रहा है, अगर आपके यहाँ पास यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम आए, नेम ऑफ स्टॉक आइटम आए, तो आपको यहाँ से चेंज मोड पे जाने के बाद में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवॉइस का। तो अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस सेलेक्ट हुआ होगा तो आपको आइटम इनवॉइस से चेंज करके अकाउंटिंग इनवॉइस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास नेम ऑफ स्टॉक आइटम की जगह अब ये पर्टिकुलर्स लिखा आ जाएगा। तो अब हमें हमारा जो लेबर चार्ज का जो हमने लेजर बनाया था उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू है वो 135,000 रुपये है, तो वो हम डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में है भी, और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में एसजीएसटी टैक्स को। तो ये टोटल वैल्यू है जो इनवॉइस की वो 159,300 रुपये बन गई है, और ये हमारे पास इनवॉइस जो हमें मिला हुआ है वो भी 159,300 रुपये का है। तो एंटर प्रेस करेंगे, तो उसके बाद में हमने जो टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो हमें जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी जो टोटल वैल्यू है 3186 रुपये वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, तो आपका जो इनवॉइस की जो वैल्यू है वो अब 156,114 रुपये होगी, क्योंकि हमने जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 2% के हिसाब से करना है। अब 2% जो अमाउंट डिडक्ट हुई है वो आपका 159,300 रुपये का। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें भी 159,300 × 2%, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा आपके सामने 3186 रुपये का टीडीएस है जो बनता है 2% के हिसाब से, जो कि यहाँ पर माइनस हो गया, और माइनस होती है आपकी ये इनवॉइस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, और न्यू रेफरेंस 159,300 रुपये तो क्रेडिट, और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर 3186 रुपये डेबिट रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टीडीएस, और इस इनवॉइस को अगर हम नरेशन लिखना चाहें इस इनवॉइस के रिगार्डिंग तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं, और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो ये वाउचर हमने सेव कर दिया। अब इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले हमें टीडीएस रिटर्न हम इसकी देखते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट को ओपन करेंगे, अब इसमें टीडीएस रिपोर्ट, और टीडीएस रिपोर्ट पर जाने के बाद फॉर्म 26Q को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ 7 एरर हमें दिखाई दे रही है। एरर हमें कुछ क्या है, भी एनेबल डिडक्ट टाइप पार्टी,
तो कुछ एरर हमें दिखाई देने। सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना, आपके पास एरर कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये टोटल फॉर एनेबल डायरेक्ट टीडीएस एप्लीकेबल लेजर ऑफ स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम पर हमें कुछ करना ही नहीं है। तो जो हमारे परचेज लेजर है उनके पे किसी के ऊपर नहीं करना, तो उसका लेजर आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास जो लेजर है ये ऑलरेडी बने हुए थे ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, तो इसलिए हमें ये वार्निंग दे रहा है। अगर हमारे पास ये ट्रेडिंग से रिगार्डिंग ये वाउचर नहीं होंगे तो हमें उनको नोट एप्लीकेबल हम इनको अगर कर देंगे, तो जैसा कि हमारे पास है अगर इनको हम यहाँ से नोट एप्लीकेबल कर देंगे, अगर जिन जिन के ऊपर आपको टीडीएस को एप्लीकेबल नहीं करना है तो ये एरर आपके यहाँ से हटते जाएंगे। जैसे कि हम इसको कर देते हैं नोट एप्लीकेबल करते जाएंगे, और तो उसके बाद में आपको एरर है जो कम होती जाएगी आपकी, तो एरर बिल्कुल आपकी जीरो रहनी चाहिए। तो उसके बाद अभी भी सेवन एरर हमें दिखा रहा है, तो सेवन एरर आने का कारण भी जो आपके एंट्री हमने कुछ ट्रांजैक्शन कर रखी है, कुछ लेजर हमने जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं उसके बारे में हमें ये डिटेल है जो पूछ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा जो मेन काम है वो है टीडीएस को डिडक्ट हमने जो करवाया था उसकी प्रॉपर एंट्री हमारे रिटर्न के अंदर प्रॉपर तैयार हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमने कुछ काफ़ी सारे लेजर ऐसे हैं जो अभी तक उनको टीडीएस का नेचर ऑफ क्लास हमें नोट एप्लीकेबल नहीं करके रखा हुआ, तो इसलिए आपको ये एरर दिखाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं, हम उन सभी को नोट एप्लीकेबल कर देंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस के लेजर है या जो इनकम के लेजर है उनके ऊपर सभी को करना पड़ेगा, तो ये आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये जीरो हो जाएगी, और आपकी ये रियलिटी के अंदर ये जीरो ही रहनी चाहिए क्योंकि हमने अभी ये ट्रांजेक्शन करी है। तो हमारा ये ट्रांजेक्शन था, अभी हमारा जो टीडीएस है वो प्रॉपर सही तरीके से डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब हम इसका लेजर अगर हम पार्टी का देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर हम जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, और श्रीराम कॉन्ट्रैक्टर्स का अगर हम लेजर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो ये दिखाई देगी भी 156,114 रुपये अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि इन्वॉइस था 159,300 रुपये का। तो जो डिफरेंस है वो हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो जो टीडीएस का इफेक्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर हम जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये हमारी, अब ये जीएसटी के साथ साथ ये हमारी टीडीएस की लायबिलिटी भी अभी बनी हुई है, तो इसको हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको डिपॉजिट करवाएंगे नेक्स्ट मंथ में, तो उसकी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी पड़ेगी। तो पेमेंट वाउचर में हमें टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस जो हमने दिया हुआ था वो हम सेलेक्ट डाल देंगे, तो 3,186 रुपये डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद में जिस बैंक के थ्रू आपने डिपॉजिट करवाया है उस बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन ये जो आपका यूटीआर नंबर वगैरह या जो ऑनलाइन अगर आपने ट्रांजेक्शन करी है उसका जो कोड आपको मिला है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डालते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अगर अब हमें इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो अब आप देख रहे हो वो जो लेजर था हमारा जो टैक्स की लायबिलिटी अभी दिखाई दे रही थी टीडीएस की वो यहाँ से हट जाएगी। अगर उसका हम लेजर देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर हम जाएंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे और टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, तो आपका ये लेजर आपको बिल्कुल बराबर दिखाई देगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।